हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित पैडागोजी का 15 क्वेश्चन का एक जबरदस्त सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको अगर वीडियो मिलती रहेगी। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? फर्स्ट ऑप्शन है गणित के संकीर्ण उद्देश्यों व लक्ष्यों की, सेकंड है गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, थर्ड है गणित के अनुप्रयोग की, फोर्थ है गणित के उच्च उद्देश्यों व लक्ष्यों की। तो यहाँ पे एनसीएफ 2005 के बारे में बात की गई है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे शिक्षण में, गणित शिक्षण में महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे महत्वाकांक्षी की बात तात्पर्य से पूछा गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं गणित शिक्षण में उच्च उद्देश्यों व लक्ष्यों की बात की जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा सेकंड में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय, मूर्त व प्रत्यक्ष वस्तुओं का दी गई संख्या का साथ युग्मन के क्रियाकलाप द्वारा किया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि फर्स्ट है रंगों के डब्बों में क्रेनों की कुल संख्या सम है या विषम है, सेकंड है उनकी गणित की कॉपी में पेजों या कागजों की संख्या सम या विषम है। क्रेनों व पेजों की सम संख्या विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य। तो यह क्वेश्चन में सम संख्या विषम संख्या के टॉपिक पे बात की जा रही है, जो कि बच्चों से यह बोला गया है कि पहले क्रेनों के बारे में देखो, फिर गणित की कॉपी में पेजों को चेक करना है और उसके बारे में बताना है। तो यह कार्य क्या किया जा रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अधिगम के लिए मूल्यांकन, सेकंड है अधिगम के रूप में मूल्यांकन, थर्ड है अधिगम के अंत में मूल्यांकन, फोर्थ है अधिगम का मूल्यांकन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो जब बच्चे इस प्रकार की जांच प्रक्रिया करेगा तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा अधिगम के लिए मूल्यांकन, क्योंकि यहाँ पे बच्चा पहले चीजें पढ़कर फिर उन्हें चेक कर रहा है, तो चेक करेगा तो अधिगम के लिए मूल्यांकन जैसा होगा। तो हमारा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। कक्षा सेकंड में व्यवकलन घटाने के प्रचलन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्याम पट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त व्रतों को भरने के लिए कहा। यहाँ पे कक्षा सेकंड में व्यवकलन का प्रचलन व्याख्या के तौर पर शिक्षक ने श्याम पट्ट पर एक चित्र बनाया गया है, उस चित्र में व्रत बनाया गया, व्रत को भरने के लिए कहा गया है। जैसे कि आपको व्रत दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो मिड पॉइंट में व्रत दे दिया, इसमें 10 लिखा हुआ, उसके अगल बगल से सारे व्रत बना दिए गए। जैसे हम स्टार्ट करते हैं +1, यहाँ से -2, -4, +2, -1, +2, -5, -3। तो इस प्रकार से यहाँ देखकर हमें क्या बच्चों के भरना है। तो इसमें दिया गया इस अभ्यास का उद्देश्य है, यह अभ्यास के उद्देश्य के बारे में पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना, सेकंड है संकलित मूल्यांकन, थर्ड है छात्रों के लिए मजेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, फोर्थ है मस्तिष्क का गतिकरण। देखो यहाँ पे क्या टीचर ने क्या किया है, घटाने के प्रचलन की प्रक्रिया को व्याख्यात करने के लिए है, या व्याख्या करने के लिए शिक्षक ने यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है। तो चित्र के अकॉर्डिंग क्या करेंगे यहाँ पे बच्चे, संकलन को व्यवकलन की कुशलता को प्रबल कर रहे हैं, मतलब अच्छी तरह से सीखी चीजों को अच्छी तरह कर लेना, प्रबल करने मजबूत कर लेना। तो यहाँ पे होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ में। नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? यहाँ पे एक आयत दे दिया गया है, फिर उसके अंदर भी आयत दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रही है, फिर ये आयत है, फिर उसके अंदर भी आयत है। तो इस प्रकार का आयत दिया गया, देखते हैं क्या पूछ रहा क्वेश्चन में। उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी की ज्ञान की, सेकंड है विद्यार्थी की समझ में बोधगम्यता की, थर्ड है शिक्षार्थी की सृजनता या क्रिएटिविटी की, फोर्थ है विद्यार्थी के याद करने की शक्ति को। तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, अभी आप इस आयत को देखोगे तो पहले इस पूरी को आयत को मान लोगे यहाँ पे, फिर इसके अंदर आयत काउंट करेगी, इसके अंदर आयत काउंट करने के बाद फिर ये आपका पूरा एक आयत बन जाएगा, फिर ये एक आयत बन जाएगा और इस आयतों को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप समझ के साथ बोधगाम्यता की जानकारी प्राप्त करके अपनी समझ के अकॉर्डिंग आयतों को बताएंगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते रहे साथ ही साथ में। नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा थर्ड के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है? तो सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पहले फर्स्ट ऑप्शन है कोई वर्ग पहली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत सुराग दिए गए हों, सेकंड है कोई सामूहिक परियोजना
प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से चार सदनों या स्कूल की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल कला सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। थर्ड यहाँ पे कक्षा में संख्या और प्रचलन विषय पर अंतर वर्ग पहेली प्रतियोगिता आयोजित करना। फोर्थ कोई कार्यपत्रक जिसमें चार मूल प्रचलनों पर समस्या जैसे ज्ञात कीजिए 25 × 34 451 डिवाइड के निशान दे दिए गए 11 आदि दी गई है। इस प्रकार की संख्या दी गई है तो ये हमारे ऑप्शन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन एक क्रियाकलाप की है यहाँ पे, तो थर्ड क्लास की है यहाँ पे। तो छात्रों को समस्याओं को हल करने के लिए समस्या दी गई, उन्हें हल करने के लिए कुशलता में वृद्धि करने के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं तो कोई सामूहिक परियोजना बनाएंगे जिसमें प्राथमिक छात्रों के कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से सदनों में बांटेंगे, क्योंकि समान ग्रुप में बांटे देंगे और उन पर बांटने के बाद में खेल सांस्कृतिक प्रतियोगिता और शैक्षिक क्रियाकलाप कराएंगे। उसमें कुछ प्रतिभाशाली छात्र भी होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या प्रत्येक छात्र को सीखने का अवसर मिलेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट सॉरी सेकेंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। कक्षा थर्ड में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। फर्स्ट ऑप्शन है दो अंकीय संख्या को दो अंकीय गुणा से करना। सेकंड है गुणन के गुणधर्म कार्य गुण और समूह गुण। थर्ड है गुणन पर आधारित शब्द समस्या। फोर्थ है तीन अंकीय गणितों को 10 से गुणा करना। तो यहाँ पे कक्षा थर्ड में गुणन की इकाई के बारे में पूछा जा रहा है, संकल्पना के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो गुणन के गुण धर्म और क्रय गुण समूह गुण के बारे में बात करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पर सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं पांच भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा, यह प्रश्न संकेत करता है। तो क्या यहाँ पे बात की जा रही है भिन्न की इकाई के लिए शिक्षक ने किन्हीं पांच छात्रों से पांच भिन्नों के बारे में पूछा गया। सॉरी यहाँ पे दिया है छात्रों से किन्हीं पांच भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा गया, ये क्वेश्चन दिया थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है यहाँ पे सोचने के उच्च स्तर को, सेकंड है विश्लेषणात्मक सोच को, थर्ड है यहाँ पे त्रिविमीय आकाशीय सोच को, फोर्थ है सोचने की निम्न स्तर को। तो यह किसी और संकेत कर रहा है ये प्रश्न, ये इसमें पूछा गया था। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे छात्रों से किन्हीं पांच भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग सोचने के निम्न स्तर के बारे में बात की जा रही है। तो अभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में। किसी अभ्यास में प्रश्न था पी क्यू और आर एस रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया ए बी की लंबाई 5 सेमी, ए बी की लंबाई 3 सेमी। यह संकेत करता है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका संकल्पना त्रुटि को, सेकंड है कार्य विधेयक त्रुटि को, थर्ड है रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, फोर्थ पढ़ने की त्रुटि को। देखो यहाँ पे क्या एक अभ्यास प्रश्न दिया गया और यहाँ पे जो उनकी हाइट थी या जो लंबाई है उनकी यहाँ पे पी क्यू और आर एस खंडों में थी, तो उसमें बोला गया लंबाई मापी है। तो बच्चे ने क्या किया यहाँ पे ए वी लिखा, बच्चे ने क्या यहाँ पे लिखा ए वी लिख दिया और 5 सेमी और ए वी 3 सेमी लिख के दिया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा रेखा खंडों का नाम जो ए वी में लिखने की उसकी आदत है, इसके कारण उसे त्रुटि कर रहा है। इसी का करेक्ट आंसर हो गया हमारे यहाँ पे थर्ड वाला, क्योंकि रेखाखंड का नाम ए वी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, यह हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षिका ने कक्षा 5th में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों को दंड ग्राफ के लिए या खींचने के लिए कहा, यह शिक्षिका प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे कक्षा 5th की क्लास है, वहां पर एक समाचार पत्र का वितरित की गई है, बांटी गई है और उसमें ये पूछा गया जो भारतीय टीम ने जो मैच में अंतिम मैच में जो स्कोर बनाया था उसमें एक दंड आरेख ग्राफित करना है, बच्चों खींच रहा है, तो यह शिक्षिका क्या प्रयास कर रही है। सॉरी थोड़ा सा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, छात्रों के वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध बनाने में सहायता करने की। सेकंड है परियोजना उपागमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की। थर्ड है कक्षा को आनंदमय व अभिव्यक्तिशील बनाने की। फोर्थ है छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। तो यहाँ पे जो शिक्षिका ने क्या किया समाचार पत्र को बांट दिया, फिर उसके बारे में भारतीय टीम ने जो मैच में स्कोर बनाया था उसके बारे में
दंड ग्राफ आरेख खींचने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे छात्रों के वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं को बीच संबंध बनाने में सहायता की जा रही है। इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ में। कक्षा फोर्थ में किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप है, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है, दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप है। छात्र ने उपयुक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा। तो यहाँ पे क्या है, एक छात्र को फोर्थ क्लास का छात्र है, उसे शब्द समस्या दी गई है। उसमें बोला गया कि मुंबई में जो बस स्टॉप है 336 है और दिल्ली में मुंबई से 127 ज्यादा है। तो इस समस्या को बच्चे ने किस प्रकार से सॉल्व किया। पहले उसने आयत बनाया, आयत में लिखा 336, उसके सामने लिख दिया मुंबई। जैसे यहाँ पे आयत में दिया गया, देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। फिर उसने दिया 336 प्लस 127, यहाँ पे लिख दिया दिल्ली, क्योंकि ज़्यादा थे इसमें 127। बच्चे ने दिल्ली में कुल यहाँ पे उसने प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद इक्वल टू दिया 463 बस स्टॉप है। यहाँ पे 336 को 127 जोड़ने के बाद में जो टोटल निकाला उसने निकाला 463 बस स्टॉप है। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निष्कृष्ट है। सेकंड है, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है और उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। थर्ड है, छात्र ने सही क्रियाकलाप विधि अपनाई, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। फोर्थ, छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता है। तो देखो यहाँ पे छात्र ने क्या किया, पहले मुंबई को दर्शाया यहाँ पे, फिर दिल्ली को दर्शाया। तो यहाँ पे छात्र ने क्या किया, उस समस्या को अच्छी तरह से समझा और विश्लेषण किया और उसकी जो उसने योग्यता है उसकी क्या प्रशंसनीय है, उसने अच्छी तरह से समझाया इस चीजों को। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ में। किसी छात्र को नीचे दी गई संख्या को पढ़ने के लिए कहा गया। तो छात्र को संख्या दी गई है पढ़ने के लिए बोला गया। तो 306 यहाँ पे, 408 है, 4008 है, 4010 है। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा, 306, 408, 408, 4010 पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है, या पूछा गया क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते, छात्रों को गणित या गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और उबाऊ लगती है। सेकंड, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। थर्ड, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। फोर्थ है, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं जानता है और उसे केवल दो अंक की संख्या को पढ़ना आसान लगता है। देखो यहाँ पे एक छात्र ने क्या कर रहा है वो, तो जैसे कि यहाँ पे क्या किया उसने, 306 बोल रहा है यहाँ पे, 4408 बोल रहा है और 408 बोल रहा है और 4010 बोल रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि बच्चा क्या है, दो अंक की संख्या तो आराम से पढ़ सकता है, मगर यहाँ पे क्या है, उसे स्थानीय मान की संकल्पना के बारे में नहीं पता है, इसलिए इस प्रकार की चीजें कर रहा है वो क्रिएटिविटी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा फोर्थ के लिए समय के मूल्यांकन का के प्रचलन या प्रचाल होगा या होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है, केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ाना। सेकेंड है, अंक की घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ाना, आधा घंटा अधिक चौथाई घंटा अधिक चौथाई घंटा कम, एएम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। थर्ड, केवल अंक की घड़ी पर समय पढ़ना, एएम और पीएम की संकल्पना। फोर्थ, केवल अंक की घड़ी पर समझ या समय पढ़ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोर्थ क्लास में समय के मूल्यांकन की हम किस प्रकार से बच्चे को बताएंगे। तो जैसे हम बात करते हैं, तो अंक की घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ाना, आधा घंटा अधिक चौथाई घंटा अधिक चौथाई घंटा कम, एएम पीएम की संकल्पना पढ़ाएंगे, मिनट सेकंड के बारे में बताएंगे, इस प्रकार की क्रिया कराएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला। थोड़ा सा कोई बात नहीं, टिक लगाने दिक्कत होगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, देख लेते हैं आप, या फिर आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम वीडियो मिलती रहेंगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है, या पे एनसीएफ 2005 के बारे में पूछा गया है। तो गणित की लंबी आकृति संकेत करती है, फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट है, चुनौतीपूर्ण समस्या को हल करना। सेकंड है, गणित की खेलों का सृजन। थर्ड है, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना। फोर्थ है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो यहाँ पे 2005 एनसीएफ के बारे में बात की जा रही है। तो जैसे कि अभी देखा जाए
कि यहाँ पे बच्चों को क्या है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना होता है। या भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। बच्चे बहुत सारे यहाँ पे हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करने की बात करेंगे, मगर यहाँ पे गणित में हस्त सिद्ध प्रकार से किस प्रकार से अनुभव देंगे ये वाला आंसर नहीं होगा। इसलिए बहुत से बच्चे यहाँ पे थर्ड पे जाएंगे, ये वाला आंसर नहीं होगा। एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5+3 = पूछा गया इसमें, इस सीमित उत्तर का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, सेकंड है 5 में क्या जोड़ना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो, थर्ड है कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 है, फोर्थ है 5 और 3 का योग क्या होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए। तो यहां पर अब देखा जाए कि ये प्रश्न है जो किस प्रकार से पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो यहां पर ये क्या है, मुक्त अंत वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे 3 और 5 बच्चे यहां पे 8 ना लिखें, क्योंकि यहां पे क्या है, क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि 5 में क्या जोड़ना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। इस प्रकार से जैसे ऑप्शन में दिया गया है 3 और 5 का योग क्या ज्ञात कीजिए, कोई दो संख्या बताइए 8 हो, तो इस प्रकार से चीजें पूछा जाती है। तो यहां पर क्या है, यह क्वेश्चन यह मुक्त अंत वाला क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहां पर यह बोला जा रहा है कि ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिसका जिनका योग 8 हो, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे मुक्त अंत वाला है, तो कोई भी दो संख्या हम बताएंगे, 3 और 8 बता देंगे, 4 4 जोड़ देंगे, 2 2 करके जोड़ देंगे, 1 1 करके जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम कई बहुत सारी संख्याओं को निकाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी गई 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, 20 पुस्तकें किसी को पता नहीं है, 239 पुस्तक अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें, कहानी की पुस्तकें थीं। शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ सकता है। तो यह क्वेश्चन दिया गया है, फ्रेंड की पुस्तकालय में क्या विद्यालय पुस्तकालय था, उसमें देखा है उसने कि यहाँ पर 100 पुस्तकें नष्ट हो चुकी हैं और 20 पुस्तकों का कोई पता ही नहीं है, उसमें 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हुई हैं और 132 पुस्तकें के बच्चों को पढ़ने के लिए दे दी गई हैं। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट है अन्य की सहायता करना, सेकंड है अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, थर्ड है पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, फोर्थ है सहयोग की संवेदनशीलता। तो देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहाँ पे 100 पुस्तकें नष्ट हो चुकी हैं और 20 पुस्तकों का पता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, पुस्तकों की अच्छी देखभाल के बारे में बात की जा रही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त होता है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन अच्छा मिलना चाहिए हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।